नशा का रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी गए और बोले कि जब तक वो नहीं चाहेगा नहीं छुटा सकते। पूजा पाठ भी कर लिए, रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, या तो राइट पूजा पाठ नहीं हुआ होगा या फिर उसको लिए उसके लिए जितना चाहिए वो नहीं हुआ होगा। लेकिन क्योंकि दशा का परिवर्तन हो रहा है तो मुझे कुछ पॉजिटिव आशा और नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत से आदमी को देखा हूँ, एक दशा में बहुत बड़ा नशेड़ी होते हैं और दूसरा दशा चलते ही उनके ज़िंदगी में परिवर्तन आना चालू होता है। शायद उसी का सिलसिला में आपके साथ मेरा संपर्क हो गया। तो सबसे पहला आगरा, झांसी, ग्वालियर, उसके आसपास एक जगह है जिसका नाम गोरस धाम। ठीक है, गोरस मैं गया था वहाँ पर, 3-4 दिन में रहा वहाँ कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। आगरा में भी किया हूँ, झांसी में भी किया हूँ। तो ये स्थान में मैं प्रवचन करने के लिए जिस समय मैं घूम रहा था, आज से 14-15 साल पहले, अभी तो बहुत साल से मैं गया नहीं। और वहाँ पर एक झांसी में एक महात्मा है, उनका नाम गुप्त जी करके हैं, 4 फुट का आदमी है, गिड्डा आदमी है, ठेवना आदमी। वो कभी सोनिया गांधी के अगेंस्ट में इलेक्शन भी लड़े थे, अमेठी से या कहाँ से लड़े थे वो। उनका घर झांसी है, झांसी उनका एक स्कूल चलता है, उनका बीवी भी है, छोटी सी नाटी सी बीवी है। उनका नंबर अभी मेरे पास तो है नहीं, बहुत साल से मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आपका कोई कनेक्शन है झांसी में और उसको निकाल के पा सकते हैं। उसका ससुर बहुत बड़ा पंचगव्य और आयुर्वेदाचार्य, अभी उनका क्या कंडीशन मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय एक समय में हमारे राउरकला से उनकी यहाँ से मेडिसिन आता था, हमारे पंचगव्य चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र से। ठीक है, उनका एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं है, लेकिन गुप्त हैं, गुप्ता जी हैं या गुप्त हैं, छोटे से बावने से इलेक्शन लड़े थे और पंचगव्य वगैरह में भी काम करते हैं। दिल्ली में भी उनका नेता लेवल में बहुत होल्ड है। श्याम बिहारी गुप्ता जी। ठीक है, हाँ, इस गोमूत्र अर्क और पंचगव्य घृत, एक तो नाभि में और नाक में डाल सकते हो तो अच्छा है। पंचगव्य घृत दिमाग को ठीक करता है ना, और अगर ये डालने नहीं दे तो छुपा के उसका पानी के साथ ये जो गोमूत्र अर्क है उसको पिलाना है। ठीक है, छुपे हुए पिलाना है, इसे पता नहीं चलना चाहिए। 1.5 महीना से 3 महीना का एक ट्रीटमेंट चलेगा, 90 डेज का, फिर 90 डेज का, फिर 90 डेज का। ठीक है, गो पंचगव्य घृत ऑनलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं, आसपास कोई ना कोई, बहुत सारे गौशाले वाले हैं। बाकी मैं भी कोशिश करके आपके आसपास वालों का किसी ना किसी का एड्रेस निकाल के आपको दूंगा। आपका बेटा ठीक हो, ये जब इतना भरोसा विश्वास से मेरे से बात कर कॉन्टैक्ट में है तो मैं कोशिश तो जरूर करूँगा, खाली नहीं बैठूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल का हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से निकालने का कोशिश करूँगा। पतंजलि का उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसके ऊपर। और नहीं, कोई कंपनी नहीं। एक नहीं, एक मैं बता दे रहा हूँ, आपके आगरा से गोरस करके एक जगह है, आप ढूंढो, वहाँ पर 4.5 लाख या 1.5 लाख गिर गाय हैं। मैं वहाँ गया था, बोला ना, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में घी मिल जाता है और कुछ ना कुछ लोग हैं जो अर्क वगैरह भी बना रहे हैं। ठीक है, आप जो लेते हो वो सब जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन है, शहर में देसी गाय का दूध मिलता नहीं है। ठीक है, आप गाय के बारे में कुछ समझी नहीं है, आप गाय को पहले समझना चाहिए। मेरे को देसी गाय का मूत्र का अर्क चाहिए, देसी गाय का घी पंचगव्य घृत चाहिए। एक तो नागपुर में मिलता है, कानपुर में मिलता है, उनका गौशाला है, और ये जो बताया श्याम बिहारी गुप्त जी है ये बनाते थे, और भी हैं अभी दो चार क्यों बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो देसी वाला चाहिए, और अगर ये अवेलेबल होगा तो भी दीजिए, प्योर देसी हो तो तभी ये काम करेगा। जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन खरीदा हुआ कंपनी का, लाल बाबा का, ये कोई काम का नहीं है। मैं देखा हूँ ये सब अप्लाई करके, फुल फेल्योर है उसमें, वो तो आपके पास है, पहुँचा देंगे। ठीक है, मैं बोला ना, झांसी अगर आपका कनेक्शन में है या कोई है आपके वहाँ, वो आदमी ना 1000 आदमी में पहचान में आ जाता है। 4 फुट मैक्सिमम आदमी का हाइट है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे नाभि तक ही इसका हाइट रहता है, और हम मिल के बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मेरे फेसबुक में भी जाओगे तो उनके साथ फ़ोटो मिल सकता है, तो 13-14 साल पूरा है। मैं कोशिश करता हूँ उनका अगर कुछ मिल जाए तो मैं आपके साथ लिंक करा देता हूँ। नहीं, ये आदमी को कोई भी ढूंढ लेगा, 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं, और इलेक्शन भी लड़ा था, और उनके स्कूल है बहुत बड़ा,
बच्चों का स्कूल है, उनका बीवी स्कूल चलाती है, उनका बीवी भी 4 फीट से थोड़ा सा कम है, तो वो फेमस गाय हैं झांसी में। मतलब कोई भी बोल दे कि बावन देव बोलने से हम लोग चिढ़ाते थे उनको, ठीक है, तो वो करते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं काम, तो पॉसिबल है तो देखिए, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से आपको, चलो मैं एक नंबर भी आपको दे दूंगा जिस जहाँ तक आपको गोमूत्र का अर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो वो श्याम बिहारी को छोड़िए, एक और जहाँ पर ये जो पंचगव्य और गोमूत्र अर्थ दोनों मिल जाएगा, मैं एक नंबर भी आपको प्रेस्क्राइब कर दे रहा हूँ जहाँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये गिर गाय का ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये नंबर आप लिख लीजिए जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर है 9437042116। इसको पानी के साथ मिला के पिलाना है, उसको पता नहीं चले, दोबारा बोल दे रहा हूँ, 9437052116 हो गया, 42116 5 हो गया, 10 नंबर हो गए ना। दूसरा एक है कि गायत्री परिवार, आपके वहाँ पर होंगे गायत्री परिवार, आप जानते हो शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पर एक निशा निवारण का छोटा सा पीला कलर का डब्बा मिलता है, डिबिया मिलता है, छोटे छोटे टैबलेट होते हैं नशा निवारण वगैरह के लिए, एक छोटा सा टैबलेट मिलता है, 70-80 रुपया का एक डिबिया मिलता है, उस डिबिया को ला के उनको बोलना है कि भाई मुंह में दबा के रखो, ठीक है, आयुर्वेद से जड़ी बूटियों से बना है और शरीर में पोषण भी देता है, पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, शरीर को शक्ति भी बनाता है और मानसिक लेवल पे इसका बढ़िया काम रहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इस बच्चा को कहीं से भी रिक्वेस्ट करके विपासना ट्रेनिंग पे पहुंचा दें, विपासना साधना केंद्र में, उसको कसम खा के भले आप भी उसके साथ बैठ जाओ थोड़ा कंट्रोल करके, 10 दिन का विपासना बैठ जाए, तो जिनको बोलते हैं कि सुबह से शाम तक दारू पीने वालों का दारू छूट जाता है, अगर ये पॉसिबल है 10 दिन का मेडिटेशन कर लेगा तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर छोड़ देगा। मैं बड़े से बड़े दरुआ मधुआ को देखा हूँ, नशेड़ी गंजड़ी को देखा हूँ, छोड़ दिए। विपासना ट्रेनिंग, विपासना, विपासना ध्यान, ठीक है, इगतपुरी और मुंबई पुणे में इसका सेंटर है और सारे भारत में, आगरा में भी कहीं ना कहीं पर है, आगरा रांची झांसी में भी कहीं ना कहीं पर है, पास नियर बाय।